नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं अभिनव दशांशु पांडे और हमारी बातचीत चल रही है पढ़ाई की तैयारी, मतलब एग्जाम की तैयारी के बारे में। अभिप्सा की ओर से कक्षा 12वीं की भौतिकी के लिए मैं अभिनव दशांशु पांडे आप लोगों के साथ हूं। सारे विषयों पर और दोनों बोर्ड यानी कि 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षा की तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ हमारी एप्लीकेशन में आप एग्ज़ाम सीरीज मिशन 2023 देखेंगे। एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाता है, आप डाउनलोड करें। और हमारे एडिशनल कंटेंट जैसे कि माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स और बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों को बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हम लोगों ने इस परीक्षा की मतलब इस चैप्टर की तैयारी की थी, भू चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। बहुत सारी जो है टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली हैं और इन्हीं बातों के सिलसिले में आज हम एक नई चर्चा करने वाले हैं और वो है चुंबकीय फ्लक्स यानी घनत्व। अब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, इसको जानने के लिए आप विद्युत फ्लक्स के बारे में बात कर सकते हैं, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा होता है, यानी कि ये जो है ये एक कैसी राशि है, अदिश राशि है और यहाँ पर जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। हम जानते हैं, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की हुई है कि किसी भी क्षेत्रफल का जो है उसके केंद्र से उसके लंबवत निकलने वाली जो रेखा है उसे हम क्षेत्रफल का सदिश कहते हैं। और जब हम क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में जो कोण है उसका ध्यान रखते हुए जो है परिभाषा बनाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि चुंबकीय फ्लक्स एफ आई बी का मान हो जाएगा बी डी एस कॉस थीटा। जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है जो क्षेत्रफल सदिश है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हमें अधिकतम फ्लक्स नज़र आ रहा है। यहाँ पर फ्लक्स का मान कम हो गया क्योंकि जो है कोण में अंतर आ गया। और यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि क्षेत्रफल सदिश और बल रेखाओं के बीच में 90° का कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें 0 फ्लक्स प्राप्त होगा। अब हम लोगों ने क्या देखा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसके लिए बी ए कॉस थीटा ये जो है हमारा सूत्र हो गया। और यदि हम इसका जो है देखिए ये बी क्या होता है, ये होता है टेस्ला और क्षेत्रफल क्या होता है मीटर का वर्ग, और यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा तो ये सिर्फ संख्या है तो टेस्ला मीटर का वर्ग, या इसी को जो है हम बोलते हैं वेबर। और वेबर जो है अब बताइए कि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो है इकाई क्या हो गई, वेबर प्रति वर्ग मीटर, या इसी को टेस्ला कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो है ऐसा इकाई है वेबर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझी, हम बढ़ते हैं आगे। जिस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमारे पास में एक शॉर्टकट था जिसे हम लोगों ने गॉस के प्रमेय के नाम से जाना था, उसी प्रकार से गॉस का प्रमेय न सिर्फ स्थिर विद्युत के लिए बल्कि चुंबकत्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। इस प्रमेय के अनुसार हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ पर स्थिर विद्युत में जो है गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी क्षेत्रफल किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो है कुल मिला के विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालने के लिए यानी कि विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास सूत्र था फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों ने ई डॉट डी एस और इसका मान एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से देखा। अब क्यों ये जो है मतलब गॉस का जो प्रमेय है वो स्थिर विद्युत में इस तरीके का रिजल्ट देता है, इसका रीज़न ये है कि हमारे पास में एकांक आवेश मतलब होने की संभावनाएं हैं, हम एक ही धनात्मक आवेश या एक ही ऋणात्मक आवेश किसी बिंदु पर देख सकते हैं, और इसलिए जो है हमको यहाँ पर कुल मिला के एक नियत विद्युत बल रेखाएँ या विद्युत फ्लक्स दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की तो हमको पता है कि भैया एकांक ध्रुव होना तो पॉसिबल है ही नहीं, जब भी कोई चुंबक दिखाई देगा तो वो चुंबक हमेशा जोड़े में ही दिखेगा, मतलब हमको
चुंबक हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी चुंबकीय द्विध्रुव ही प्राप्त होता है। अब आप किसी भी चुंबक को पकड़ें और यदि आप उसके आसपास एक आवरण बना लें तो कुल मिला के चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी इनकी कुल संख्या यानी कि यहाँ पर से निकलने वाला कुल फ्लक्स तो होगा शून्य, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के पास में जितनी बल रेखाएँ अंदर जा रही हैं उतनी ही दक्षिणी ध्रुव के पास में बल रेखाएँ जो है सॉरी उत्तरी ध्रुव से जितनी बल रेखाएँ बाहर जा रही हैं उतनी ही दक्षिणी ध्रुव में बल रेखाएं अंदर आ रही होंगी। अब अगर इस बात की जो है आप ढंग से पड़ताल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर कुल फ्लक्स का मान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। पहले क्यों? क्योंकि ये जो हमेशा जोड़े में ही पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपसे ये कहा जाए कि नहीं फिर भी इसमें से कुछ चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो अगर चुंबकीय बल रेखाएं इनमें से निकल रही हैं तो जितनी भी संख्या में यहां से बल रेखाएं निकल रही होंगी उतनी ही संख्या में बल रेखाएं वापस भी आ रही होंगी। इस संतुलन को नहीं बिगाड़ा जा सकता और ये ही विद्युत द्विध्रुव के लिए गॉस का नियम है। ठीक है, अब ये चीज़ें हम लोगों ने जो है समझ लिया गॉसियन पृष्ठ के बारे में और जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पहले से जानकारी है। हम बढ़ेंगे गॉस के नियम के द्वारा जो है हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला ये कि एकांक ध्रुव जो है या पृथकृत चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है, मतलब आप सिर्फ उत्तरी ध्रुव या सिर्फ दक्षिणी ध्रुव कभी भी नहीं देख पाएंगे। दूसरी बात क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का कोई स्रोत या सिंक नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जिस प्रकार से आवेशों के लिए विद्युत बल रेखाओं के लिए क्या होता है कि धनात्मक आवेश से जो है बल रेखाएं निकल रही होती हैं और एक ऋणात्मक आवेश में बल रेखाएं वहां जाकर ख़त्म हो रही होती हैं, इसका मतलब है कि इसका आदि और अंत दोनों हैं, इसका जो है शुरू होना और इसका ख़त्म होना ये दोनों किसी बिंदु विशेष पर संभव है। ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं। लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं के साथ में ऐसा है कि ये एक निरंतर यानी कि लगातार बने हुए वलय हैं, ना तो ये शुरू होते हैं और ना ख़त्म होते हैं, ये जो है हमेशा निरंतर ही बने हुए होते हैं। अगली बात क्या है, सबसे सरल चुंबकीय अवयव एवं द्विध्रुव या धारा लूप होता है। हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, हम आने वाले भविष्य में एक बार और इसकी बात करेंगे कि सबसे सरल चुंबकीय अवयव जो है किस तरीके से देखा जा सकता है और सभी चुंबकीय घटनाओं को एक धारा लूप या द्विध्रुव निकाय द्वारा ही समझाया जा सकता है। तो ये थे गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग, इसके निष्कर्ष हम लोगों ने समझ लिए। आगे और भी बातें होंगी, मिलेंगे हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।